जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को चला दिया। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको नालंदा यूनिवर्सिटी के बेसिक इन्फॉर्मेशन और उस पर हुए इम्पोर्टेंट इन्वेजन की हिस्ट्री बताऊंगा। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, हिस्टोरियंस का मानना है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को 5th सेंचुरी AD में आज की डेट में बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया था और इसकी कंस्ट्रक्शन करा रहे थे गुप्ता एम्पायर के रूलर कुमार गुप्त फर्स्ट। साथ ही एक चाइनीज ट्रेवलर ह्यूंग फेंग अपनी किताब में ये लिखते हैं कि उस यूनिवर्सिटी में 10,000 मॉन्क्स और 1510 टीचर्स थे। साथ ही उस यूनिवर्सिटी में बुद्धिज्म, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, मेडिसिन आदि सब्जेक्ट्स को भी पढ़ाया जाता था। साथ ही उस यूनिवर्सिटी में कोई फी भी नहीं लगती थी पढ़ने के लिए, और तो और उस यूनिवर्सिटी में ओरिजिनल उपनिषद भी मौजूद था। लेकिन दोस्तों, शुरुआती समय से इस यूनिवर्सिटी पे आक्रमण भी होते रहे हैं। जैसे इस पर हमले की शुरुआत होती है 455 से 467 एडी तक, जब मिहिर कुल हुन का इन्वेजन हुआ था इंडिया में। इसके इन्वेजन के बाद उस यूनिवर्सिटी को रिबिल्ड किया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद 7th सेंचुरी में इस यूनिवर्सिटी पे दोबारा आक्रमण किया जाता है बंगाल के गौदास राजवंश द्वारा। लेकिन अभी भी इस यूनिवर्सिटी को रीबिल्ड कर दिया गया था बुद्धिस्ट रूलर हर्षवर्धन द्वारा। लेकिन दोस्तों, अभी तक तीसरा हमला बाकी था, जो कि होता है बख्तियार खिलजी द्वारा 1193 AD में। इसने ना कि उस यूनिवर्सिटी पे हमला किया, बल्कि उस पूरी यूनिवर्सिटी को जलाकर राख कर दिया। तो दोस्तों, सवाल आता है कि आखिर उसने जलाया क्यों, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में तो कोई खास खजाना भी नहीं रखा था। तो आइए इसकी एक कहानी देखते हैं। हुआ क्या कि बख्तियार खिलजी के भारत के इन्वेजन के द्वारा वो बीमार पड़ जाता है और उसे उसके हकीम भी सही नहीं कर पा रहे थे। तो किसी के सलाह के द्वारा बताया जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी के एक प्रिंसिपल है राहुल श्री भद्रा, जो कि काफी ज्ञानी है। ये उन्हें बुलवाता है और उनसे बोलता है कि मैं आपकी दी हुई दवाई नहीं खाऊंगा। साथ ही उनके रिलीजन को लेके उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। भद्रा जी भी समझ गए थे और उन्होंने कुरान में दवाई लगाकर उसे पढ़ने के लिए दे दिया। कुछ दिनों में बख्तियार खिलजी सही हो गया और उसके सैनिकों द्वारा पता चलता है कि कुरान में दवाई लगाई गई थी जिसको मांगने से आप सही हो गए हैं। और बख्तियार खिलजी ये सब देख के हैरान भी हो गया था और साथ ही साथ उसे जेलसी भी फील हो रही थी, और इसीलिए उसने भारत के ज्ञान के स्रोत नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया। साथ ही उसमें पढ़ने पढ़ाने वाले हर मॉन्क और टीचर को मार दिया, और दोस्तों हर कमरे में जाकर जितनी किताबें रखी थी सारी किताबें जला दी गईं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको इस क्यों का जवाब मिल गया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।